आप लोगों ने अभी कुछ ही समय पहले सुशांत एक्टर वाले मामले में काफी सीबीआई का नाम सुना होगा। तो याद रखिए, अभी झारखंड में अपने यहाँ अगर कोई सीबीआई को जांच करनी है तो पहले एक तरह से सहमति लेनी होगी किसी राज्य सरकार से, क्योंकि आपने देखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी एक तरह से नियम लागू कर दिया है कि उसके अभी अगर कोई जांच करनी है तो पहले सबसे पहले राज्य सरकार से उसे सहमति लेने की आवश्यकता है। एक बात बताऊं, मुझे लगता है जहां तक इसलिए ये मामला इस तरह के लिए जा रहे हैं क्योंकि आपने देखा है सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार द्वारा, जिसकी भी केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार में जिसकी भी सत्ता हो, उसके द्वारा हमेशा किया जाता है इसका दुरुपयोग। आप समझिए, विपक्षी के नेताओं को घेरने के लिए या विपक्ष से बदले की भावना रखने के लिए भी इसका उपयोग समय समय पर होता रहता है, ठीक है। और एक तरह से प्रभावित भी हो जाते हैं इस तरह के मामले जो भी सीबीआई के अंदर में जाते हैं उसमें। तो हाल ही में झारखंड ने भी उन विपक्ष शासित राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा जांच के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है। पहले क्या हुआ करता था कि कोई सहमति की आवश्यकता नहीं होती थी, कहीं भी जाकर कोई भी कर सकती थी। याद रहे कि इससे पहले आपने देखा होगा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा जांच के लिए एक सामान्य सहमति को वापस ले लिया जा चुका है, ठीक है। एक बार आप लोग झारखंड के वो मैप्स में देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि झारखंड के जो भी एग्जाम होते हैं स्टेट के उसमें भी पूछा जा सकता है या फिर सेंट्रल के जो भी एग्जाम होंगे उनमें भी आपका क्वेश्चंस बन सकता है, और वैसे भी आपका पीटी में भी क्वेश्चंस बन जाएगा फिर स्टेट पीसीएस हो या आपका सिविल सर्विस का पीटी हो। देखिए, ये आपका झारखंड, इसकी स्थापना की बात करें हम लोग तो 15 नवंबर सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपकी विधानसभा सीटें 82 हैं, राज्यसभा सीटें 6 हैं, लोकसभा सीटें 14 हैं, ठीक है। और यहाँ का आप जनघनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी है आपकी रांची। अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा जांच के लिए सामान्य सहमति के बारे में, सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946, ये आपका 1946 द्वारा प्रशासित होता है। यह कानून सीबीआई को दिल्ली पुलिस का एक विशेष विंग यानी कि अंग बनाता है। इसका मूल अधिकार क्षेत्र दिल्ली तक सीमित है। यदि सीबीआई को किसी राज्य के राज्य क्षेत्र में कोई जांच करनी होती है तो उसे राज्य सरकार से इसकी अनुमति लेनी होती है, जबकि अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे एनआईए को कानून द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जांच करने का अधिकार प्राप्त है। झारखंड से पहले महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और केरल ने भी अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी। सामान्य सहमति वापस लेने के प्रभाव की अगर बात करें हम लोग तो इससे सीबीआई की चल रही जांच प्रभावित नहीं होगी, लेकिन यह संघीय एजेंसी इन राज्यों में नए मामलों की जांच नहीं कर सकती है। कहने का मतलब है कि पहले से अगर कोई जांच चल रही है तो उस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, लेकिन नए कानून, नए कोई मामले आते हैं उनमें जरूर इसकी सहमति लेनी होगी। वर्तमान में गैर भाजपा शासित राज्यों में सामान्य सहमति के पीछे केंद्र पर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये बीजेपी की समय की ही बात नहीं है, इससे पहले जो भी सरकार केंद्र में बैठती है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। राज्यपाल शासन, राज्यपाल के बारे में देखते होंगे कि आप किसी भी राज्य में सरकार गिराना उठाना, राज्यपाल एक तरह से आप देखिए कि पक्ष लेता है केंद्र सरकार का, समझ रहे हैं। तो इसका, हालांकि राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने के बाद भी सीबीआई उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इन राज्यों में किसी भी जांच को आगे बढ़ा सकती है, बशर्ते उसके लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए। हाल ही में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र द्वारा सामान्य सहमति ना देने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिया था। आप समझ सकते हैं कि कितने महीने चलाया गया इस केस को, एक तरह से जिम्मेदार ही ठहरा दिया गया कि उसने मारा है किसी को, सामने वाले को।
लेकिन लास्ट में आपने देखा कोई निष्कर्ष नहीं निकला, एक तरह से कोई किसी ने हत्या नहीं की थी, वो अपने आप मतलब आत्महत्या की गई थी उसके द्वारा। लेकिन इस मुद्दे को आपने देखा है महीनों चलते रहा, देश में और भी मुद्दे थे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है मुद्दा चलाना अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि पूरी तरह से उसे ही ले लेना, ये गलत है। एक तो बिहार में चुनाव था इसलिए चुनावी मुद्दा बनाया जाता, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए। बात कर लेते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में। तो सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग की सिफारिश पर हुई थी। तो इसके बारे में सबसे पहले तो याद रखिए आप लोग कि इसकी स्थापना कब की गई, 1963 में। किस आयोग की, ये भी पूछा जा सकता है कि सीबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो याद रखना है संथानम आयोग की सिफारिश पर की गई थी। और केंद्र सरकार की इस प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई को बाद में कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है कि आपसे पूछेगा कि किस मंत्रालय के अंडर आती है, तो कार्मिक मंत्रालय के। अगर आपसे पूछे कि सीबीआई को अपनी शक्तियां किस अधिनियम के तहत द्वारा प्राप्त हैं, तो ये दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम जो आपका 1946 है, इसके तहत इसे शक्तियां प्राप्त हैं। सीबीआई के गठन की अगर हम बात करें तो सीबीआई का प्रमुख एक निदेशक होता है, जिसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सीबीआई में कई संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस कार्मिक शामिल होते हैं इसमें। सीबीआई निदेश की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं। और इसके अलावा सतर्कता आयुक्त गृह मंत्रालय की सचिव और मंत्रिमंडल सचिवालय के सचिव इसके सदस्य होते हैं। किसके, सीबीआई के। अगर हम लोग सीबीआई के कार्यों की बात करें तो केंद्र सरकार की कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं आदि के मामलों की जांच करना इसका कार्य। इस तरह के क्वेश्चंस कभी आपके लिखित परीक्षा में भी पूछ सकते हैं, तो वहां भी आप लोग इन्हें जरूर याद रखिएगा। और राजकोषीय और आर्थिक कानूनों जैसे आयात निर्यात से जुड़े कानून, विदेशी मुद्रा विनिमय आदि के उल्लंघन के मामलों की जांच भी करना इसका काम है। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच करना भी इसके कार्यों में शामिल है। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना और राज्य सरकारों के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करना भी इसका एक तरह से कामों में शामिल है। तो यही है सीबीआई की पूरी कहानी। और वैसे इसके बारे में आप लोग पहले भी बात कर चुके थे, हम लोग जब आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखे थे उस समय भी इस पर हम लोगों ने काफी चर्चा की थी आपकी। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकते हैं और लिखित परीक्षा में भी आपका आ सकता है। कभी आप देखते हैं एमपीपीएससी में आपका 3 नंबर 6 नंबर के आते हैं, तो इसमें भी पूछा जा सकता है।